अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो है इस यूनिट के बारे में। ये अक्सर वो जो बड़े स्पीकर होते हैं मेले वगैरह में या मस्जिद के जो स्पीकर लगे होते हैं, ये उसकी यूनिट है। इसके अंदर कॉइल लगी होती है, ये अभी काम नहीं कर रही। आज की वीडियो इस बारे में है कि अगर आपकी ये खराब है तो आप इसको किस तरह रिपेयर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस यूनिट को चेक करने के लिए दोस्तों आपने सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके ये दो मेन पॉइंट होते हैं जहाँ से यूनिट उसे पाई जाती है और इसकी आवाज़ पैदा होती है। मीटर को आप कंटिन्यूटी सेट करें और इन दोनों पॉइंटों पे चेक करें आप। यहाँ पे अभी ये कंटिन्यूटी नहीं दे रही, ठीक है जी। यहाँ पे जब कंटिन्यूटी आएगी तो ये काम करना शुरू करेगी। अभी इसको खोलते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसको खोलने के लिए इसकी ये तीन स्क्रू है, चार स्क्रू आप खोलें और इसकी कॉइल बाहर आ जाएगी। ये दोस्तों इसके अंदर ये कॉइल है, ठीक है जी। ये आवाज़ ये पैदा करती है और आवाज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसके सामने वो बड़ा सा लगा होता है एक फ्रेम टाइप। अभी इसको इन दोनों पॉइंटों पे कंटिन्यूटी देनी चाहिए लेकिन ये नहीं दे रही। यहाँ पर भी इसको कंटिन्यूटी देनी चाहिए लेकिन ये नहीं दे रही। अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें किस पॉइंट पे फॉल्ट है और कहाँ से ये डिस्कनेक्ट है। ये कॉइल आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं पहले, अगर यही इसकी ठीक हो जाए तो बेहतर है। अब ये चीज़ याद है, ये इसके दो पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे इसको सॉल्ट किया होता है, ये और ये दो पॉइंट है। अभी इसको निकालते हैं, देखते हैं कि यही ठीक हो जाएगी तो ठीक है। इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपने इसकी सोल्डिंग यहाँ से निकालनी है जी। और ठीक है जी, मेन चीज़ इसमें यही होती है, इसकी ये सिंपल है कॉयल होती है बका, इसमें कुछ चीज़ भी नहीं होती सर। ये चीज़ है बस एक, और मैग्नेट है और सामने इसका वो फ्रेम लगा होता है जो इसकी आवाज़ बढ़ाता है। अब इसकी इस चीज़ में मसला है कि ये कंटिन्यूटी नहीं दे रही। जब ये कंटिन्यूटी देगी तो ये ठीक होगी। अभी इसकी ये हम देखते हैं ये रिपेयर होती है ठीक है, नहीं तो ये दूसरी लगा देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पे इस पॉइंट से ये डिस्कनेक्ट थी जी, ये पॉइंट, तो हमने इसको सोल्ड कर दिया है ठीक है जी। यहाँ से डिस्कनेक्ट थी, इसको सोल्ड किया है। अभी इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी देती है नहीं देती। ये अभी इसने कंटिन्यूटी देना शुरू कर दी दोस्तों। ये इसका ये जो पॉइंट है ये यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से ये डिस्कनेक्ट थी, हमने इसको सॉल्व किया है। और अभी इसके ऊपर थोड़ी सी एल्फी लगाएंगे ताकि ये अपनी आगे पीछे ना हो। इस पॉइंट पे थोड़ी सी हम लगा देंगे एल्फी। लगाने के बाद आपने इसको कम से कम 20 मिनट 25 मिनट रखना है ताकि एल्फी सही खुश्क हो जाए। अगर इसी तरह आपने लगा दिया तो ये नीचे मैग्नेट के साथ फुली टच हो जाएगी और आवाज़ नहीं देगी। इसको काफ़ी टाइम हो चुका है जी, अभी इसकी जो हमने एल्फी लगाई थी वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अभी इसको फिट करते हैं। इसको लगाने के लिए इसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है लेकिन इसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव लगाएं और नेगेटिव पे नेगेटिव। इसको लगाने के लिए वही तरीके का है, आपने इनको सोल्ड करना है इनके ये दोनों पॉइंटों को। आप अगर चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसकी कॉइल इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन अभी हमारे पास थी नहीं तो हमने उसी को ठीक कर दिया। ठीक है जी, अभी हमने फिट कर दिया। अभी इसको चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है जी। अभी ये कंटिन्यूटी दे रही है और अभी हम इसको फिट करें। ये
इसको चेक करने के लिए अगर आपके पास साउंड सिस्टम है, इसका एम्पलीफायर है, तो उससे चेक कर सकते हैं। नहीं तो ये दो तारें मैंने निकाली हैं, ये मोबाइल का जो चार्जर होता है ये, ठीक है जी, इस चार्जर की ये दो तारें हैं, ये मैंने निकाली है, 5 वोल्ट इनकी सप्लाई होती है, उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। उसमें ये है कि ये आवाज़ करेगी और इससे इसकी सर्विसबिलिटी का पता लग जाएगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये आवाज दे रही है। इसको आपने कंटिन्यू लगा के नहीं रखना, वैसे इसके स्पार्क करके आप चेक कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे ये आवाज दे रही है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है और ये काम करेगी। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह इसको रिपेयर कर सकते हो। चाहे आप तो ये कॉइल आप नहीं भी लगा सकते, और अगर नहीं लगाना चाहते तो उसको रिपेयर कर सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।